अभी जो जस्ट रिसेंटली जो अभी इलेक्शन हुआ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, तो ये जो जरा जो मेरा विन है दैट्स नॉट फॉर मी, ये जो है हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है। और हर अरुणाचली ने उस दिन जब काउंटिंग हो रहा था, और हर अरुणाचली ने ये इलेक्शन जीता है। आपका अभी तो इंडिया के साथ साथ अरुणाचल को भी लेके जाना है, आपका ड्रीम क्या है, किस तरह आप लेके जाएंगे? ड्रीम अभी हम लोग इसी में हम लोग काम करना शुरू करेगा। ऑलरेडी पहले से हमारा जो APFA का जो मेंबर्स है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो पहले से हम लोग का ड्रीम है, क्योंकि लास्ट कुछ साल से हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और इसमें हम लोग का ड्रीम जो है मेन स्ट्रीम तक जाना है। तो ये जो अभी मेरा जो एक इलेक्शन हुआ, इसमें जो सारा इंडिया ने हम लोग को हमको सहयोग किया, सब ने हमको सपोर्ट किया, पूरा इंडिया का जितने भी स्टेट्स है 35 स्टेट्स है, और सब ने हमको इलेक्शन में साथ दिया। तो इसका बलबूते पर हम लोग जो भी मेन स्ट्रीम से हम लोग जो भी काम अरुणाचल के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसीज बना सकता है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल, वो हम लोग कोशिश करेंगे। सर, काफ़ी बार ऐसा होता है, हम सिर्फ ये फुटबॉल का बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसा भी होता है, जैसे कि ले लीजिए ओलंपिक, ओलंपिक में आसाम से भी जाता है, काफ़ी नेबरिंग स्टेट से जाता है। तो आप अभी माना कि आप फुटबॉल में आपका कुछ एक इम्पोर्टेंट आपको ओहदा मिला है, लेकिन क्या आप बच्चों के लिए, स्पेशली अरुणाचल के बच्चों के लिए, आप क्या फ्यूचर में आपका तरफ से कुछ हेल्प सपोर्ट मिल पाए? नहीं, इसको हम लोग ने जैसे अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन से, तो उनके साथ हम लोग मिलकर इसमें काम कर ही रहा है, क्योंकि अरुणाचल स्थित जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो इज वेरी कंसर्न, और गवर्नमेंट इज़ वेरी कंसर्न, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत कंसर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे डेवलप कर रहा है। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आई थिंक वो दिन दूर नहीं कि ओलंपिक अरुणाचल से भी प्रोडक्ट हो सकता है। सर, अरुणाचल का अभी फुटबॉल फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो नोटिस में 8 स्टेट है, उसमें अरुणाचल टॉप 3 में भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो ये आपका थोड़ा सा ये है गलत फहमी है, टॉप 3 बोल के नहीं है। अरुणाचल जब से हम लोग जो न्यू टीम आया है 2017-16 से, तो अभी तक हम लोग ने इस शॉर्ट टर्म में हम लोग ने नेशनल चैम्पियनशिप में भी रनर्स अप 2 बार रहा, सब जूनियर में, गर्ल्स में 1 बार रहा, और बॉयज़ में कंजिकेटिव हम लोग रनर्स अप रहा नेशनल चैम्पियनशिप में। उसके बाद ग्रास रूट प्रोग्राम में जैसे कोचेस का लाइसेंस वगैरह, रेफरीज़ का, हम लोग का ट्रेनिंग चलते रहता है, क्योंकि फुटबॉल ऐसा एक गेम है रातों रात हम लोग उसको नहीं बना सकते, उसके लिए हमको समय चाहिए। आई थिंक आने वाला दिन में आप लोग का सहयोग से, गवर्नमेंट का सहयोग से, तो आने वाला दिन में अरुणाचल वो दिन दूर नहीं कि फुटबॉल आई थिंक एक पावर हाउस बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जितना भी प्लेयर्स है उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी अरुणाचल का अच्छा दिन आ रहा है, तो मैंने हमको भी अभी मौका दिया तो जैसे नेशनल लेवल में काम करने के लिए, और हमसे जो बन सकता है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा अरुणाचल को वो लाभ उठाने दे। और आपका ये मीडिया का जरिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितने भी रहने वाला जनजातियाँ है हमारे लोग का तरफ से, मैं रिसेंटली जो इलेक्शन में
चुने गए हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे जी को मैं बधाई देता हूँ, और मेरे साथ ही जो कर्नाटका का जो हॉनरेबल MLA तो उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में स्टेट ने इलेक्ट किया, उनको भी अरुणाचल प्रदेश की ओर से मैं बधाई देता हूँ। और स्पेशली अभी जो रिक्रूटमेंट हम लोग ने फर्स्ट एक्सको मीटिंग में हम लोग ने प्रेसिडेंट साहब ने पहला निर्णय लिया कि एमिनेंस प्लेयर को लेकर बहुत इश्यूज था, पहले ऐसा कभी हैपन नहीं हुआ। और मिस्टर प्रेसिडेंट ने जैसे ही आते फर्स्ट मीटिंग में टेक्निकल कमिटी को क्लियर कर दिया, दे शुड बी एमिनेंट प्लेयर। उसका चेयरपर्सन होगा, आप सभी को पता होगा, वेरी लीजेंड IM विजयन वो चेयरपर्सन है। और जितना भी एमिनेंस प्लेयर है, 6 एमिनेंस प्लेयर को टेक्निकल कमिटी में दिया गया है ताकि वो टेक्निकल और भी इम्प्रूवमेंट करें। और उसी का साथ साथ में और बीच में एक हमारे जो वेस्ट पार्लियामेंट जो हमारा MP है, केंद्र में वो कानून मंत्री भी है, उनका खिलाफ में सोशल मीडिया में बहुत ही गलत कुछ स्टेट्स ने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है। मैं उसका आपका जरिए मैं बताना चाहूँगा, इन लोग जो स्टेटमेंट दे रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर इज वेरी वेरी पैशनेट विद फॉर द फुटबॉल, सर बहुत कंसर्न है फुटबॉल को लेकर, ही इज़ वेरी सीरियस। और उस मीटिंग में भी ओनली 10 मिनट हम लोग के साथ रहा, तो उसमें भी सर ने बोला कि फुटबॉल को आप लोग स्टेट जितने भी स्टेट एसोसिएशन से कैसे आगे बढ़ना है, उसमें आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हुआ, ना किसी के लिए वो सपोर्ट के लिए बात किया, ना किसी के लिए खिलाफ के लिए बात किया। हम लोग ने सिर्फ फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए, किरण जी ने वही बात, वो सिर्फ फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए डिस्कस हुआ, लेकिन इसको अलग वे में लोग लेके जा रहा है, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। और जो भी होगा आने वाला दिन में प्रेसिडेंसी ऑफ मिस्टर कालियन जी, उनका नेतृत्व में जो हमको काम करने का मौका मिला, और अरुणाचल से फर्स्ट टाइम हम लोग डायरेक्टली मेन स्ट्रीम में एंट्री हुआ, वो भी की पोस्ट में, तो ये जो मेरा जो भी जीत है जो भी है ये अरुणाचल प्रदेश का है और इंटर नॉर्थ ईस्ट का है। थैंक यू सर। तो कुछ जो फुटबॉल फैंस है, जो यंगस्टर्स है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे फुटबॉल को लेकर? नहीं, ऑलरेडी इसमें हम लोग यंग जनरेशन है वो ऑलरेडी फुटबॉल का साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो अभी उसको हम लोग प्लेटफॉर्म कंटिन्यूसली प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रोग्राम बना रहा है। देन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद मिस्टर कल्याण जी, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हम लोग अरुणाचल में जो फीफा प्रोजेक्ट है ग्रास रूट को हम लोग अरुणाचल में इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, वो आने के बाद ऑफिशियली अनाउंस होगा। देन दे वो हम लोग के लिए पहला स्टेप है, क्योंकि जो भी आपको काम करना है ग्रास रूट तक होना पड़ेगा, तो ग्रास रूट तक होगा देन स्टेट विल बी अप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।